क्या निराश हुआ जाए? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वह है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत की गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी और मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों के मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए, लक्ष्य की बात भूल गए। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यनुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए क्षोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मशील हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है,
झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुरा यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित कर उसमें रस लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ वहां उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरी गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठ जाइए। फिर एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध मेरे पास लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं,
मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ठड़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई जो विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं बदलना होगा, वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।